पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अंदर मुरादाबाद जनपद के महापौर विनोद अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और नगर आयुक्त संजय चौहान मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद को स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों द्वारा की गई। बैठक में नगर आयुक्त संजय चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल और जयपाल सिंह व्यस्त MLC मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद में स्मार्ट सिटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई। तो पहले चरण में जो मिश्रा जी ने अभी बताया कि हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट कैरियर मित्रा का है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जिससे कि मुरादाबाद की जो वर्क फोर्स है, आर्टिजन्स हैं या जो लेबर हैं, जो कुशल श्रमिक हैं या अकुशल श्रमिक हैं, उनको कहाँ रोजगार उपलब्ध है इसकी जानकारी मिले और इंडस्ट्री को ये जानकारी मिल सके कि उनके लिए योग्य श्रमिक कहाँ उपलब्ध है। तो दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में ब्रिजिंग के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस कार्य को हम पूर्ण कर चुके हैं और माननीय नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के द्वारा इसी सभा कक्ष में इसको गो लाइव किया जा चुका है। मैं चाहूंगा कि इसकी एक वास्तविक क्लिप, शॉर्ट क्लिप आपके समक्ष प्रदर्शित की। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी फोरम की बैठक में भागीदारी की और चूंकि इसके अंदर इस फोरम में सारे जनप्रतिनिधियों को इन्हें अवगत कराना होता है कि क्या क्या कार्य हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हम लोगों के जो सुझाव हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आज यहाँ पे इसकी प्रगति आख्या पे 2 घंटे लगभग चर्चा की। प्रगति संतोषजनक है और मुझे उम्मीद है कि जो काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारा शहर चल रहा था इसमें अब काफ़ी तेजी से इस पर हमने गति पकड़ी है। सर, क्या क्या मुद्दे रहे स्मार्ट सिटी बनाने के? आज भी स्मार्ट सिटी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 3 पूरे हो चुके हैं और बाकी प्रोजेक्ट अभी 17 प्रोजेक्ट लगभग पूरे होने की कगार पे हैं और बाकी 576 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने बाद, दिसंबर के बाद आपको इन सब में प्रगति लोगों को नजर आने लगेगी और मुरादाबाद हिंदुस्तान में अब 50वें नंबर के करीब पहुंचने जा रहा है जो 67वें नंबर पे है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।